बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बाद भी एक महिला को लाखों रुपए का चूना लग गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अकाउंट में पैसा नहीं है तो फिर स्कैमर्स ने चूना कैसे लगा दिया? असल में एक महिला ने अपने बैंक अकाउंट से ट्रेन की टिकट बुक की थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसे टिकट कैंसिल करना पड़ा। पर जब काफी इंतजार के बाद भी टिकट का पैसा रिफंड नहीं आया तो उस महिला ने कस्टमर केयर से बात करने के लिए गूगल का सहारा लिया और यही सारा खेल हो गया। गूगल पर मिले एक नंबर पर जब उस महिला ने कॉल किया तो उस महिला को अकाउंट की जानकारी मांगी गई, इसलिए उस महिला अपने जीरो बैलेंस वाले बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी। इसके बाद उस महिला को एक लिंक भेजी गई और जैसे ही उस महिला ने लिंक पर क्लिक किया तभी उस महिला का फोन क्लोन हो गया और उसमें मालवेयर इंस्टॉल हो गए, जिसके बाद उस महिला के बाकी अकाउंट से 3 लाख रुपए गायब हो गए। यही नहीं, उसके जीरो बैलेंस अकाउंट पर लिए गए क्रेडिट कार्ड से लाखों का ट्रांजेक्शन भी कर लिया गया। गाइज, इसीलिए जल्दी जल्दी में कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर ढूंढने से पहले जरूर चेक कर लें कि वो वेबसाइट ऑफिशियल है या नहीं, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के 8वें प्रधानमंत्री रह चुके वीपी सिंह ने उनके कार्यकाल में गजब का कानून बनाया था, जिसके तहत राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इनकम टैक्स भरना ही नहीं बल्कि उनका इनकम टैक्स राज्य सरकार सरकारी खजाने से भरेगी। क्योंकि वीपी सिंह का ये मानना था कि सभी एमएलए और नेता तो गरीब बैकग्राउंड के होते हैं, उन बेचारों के पास पैसा कहां से आएगा, तो उन इनकम टैक्स भरने की क्या जरूरत। लेकिन जब योगी जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने राज्य का बजट देखा तो उन्हें पता चला कि मंत्रियों का करोड़ों का इनकम टैक्स राज्य सरकार भर रही है। इसे देखकर योगी जी ने कहा कि अगर राज्य का गरीब से गरीब इंसान भी इनकम टैक्स भर रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री क्यों नहीं भर सकते। और योगी जी ने 40 साल से चले आ रहे इस कानून को एक झटके में रद्द कर दिया। इसलिए तो कहते हैं कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।